हेलो फ्रेंड, पूना ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने बेसन और कच्चे आलू का बहुत तरीके के नाश्ते खाए होंगे। आज मैं आपको बेसन और कच्चे आलू के ऐसे कबाब बनाऊंगी जो कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके के कबाब बनाना पसंद करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। इन कबाब को बनाने के लिए मैंने ये एक कप पोहा लिया है जिसे हम एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे और इसे हमें 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश करना है ताकि इसके ऊपर से सारा स्टार्च और धूल मिट्टी निकल जाए। और ये देखिए, मैंने पोहे को 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही भीगा रहने देंगे। तब तक मैंने एक हैंड चॉपर लिया है। अगर आपके पास ऐसा हैंड चॉपर नहीं हो तो आप इलेक्ट्रिक हैंड चॉपर या फिर मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप मटर ली है, ये इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं जिसे मैंने छिकल उतार कर अच्छे से पील कर लिया है और पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपना नाश्ता कच्चे आलू से ही बनाएंगे। और ये देखिए, मैंने सारे आलू को अच्छे से काट दिया है। अब चॉपर को बंद करके हम सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें खूब अच्छे से चॉप कर ली हैं। हमें इसे दरदरा चॉप ही करना था, इसीलिए मैंने हैंड चॉपर का यूज़ किया था। इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे भी अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने 2-3 बार सारी सब्जियों को अच्छे से धो लिया है। पोहा भी हमारा खूब अच्छे से फूल गया है। इसे हाथ से मसल लेंगे, ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों का पानी निकाल कर मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर दिया था। इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 100 अनुसार नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमें इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये सब्जियों के पानी से ही अच्छी तरीके से डो की फॉर्म में आ जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में 2-4 बूंदें हम पानी की यूज़ करेंगे। और ये देखिए, कितने अच्छे से आराम से इसका डो बनकर तैयार हो रहा है। और ये देखिए, ये एकदम अच्छे से डो की फॉर्म में आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हाथों को वॉश करके हम इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो इसे कटलेट की भी शेप दे सकते हैं। आज मैंने ये एकदम कबाब की शेप के बनाए हैं। और ये देखिए, ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं जबकि मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। सारे मिक्सचर के ऐसे ही छोटे छोटे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, कुछ ही सेकंड में हमारे ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल को हम तेज गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम अपने सारे कबाब डाल देंगे। एक बार में जितने कबाब आ जाए उतने ही डालिएगा, ज्यादा कबाब एक साथ मत तलिएगा वरना ये आपस में चिपकने लगेंगे।
और कुछ देर सीखने के बाद ही इनको पलटिएगा। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे कबाब सिक रहे हैं। इन्हें लो टू मीडियम गैस पर सेकिएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से सक जाए, क्योंकि इसमें सब्जियां भी सारी कच्ची हैं, वरना तेज गैस पर ये आगे से तो सिक जाएंगे और अंदर की सब्जियां सारी कच्ची रह जाएंगी। और ये देखिए कितने अच्छे से सिकने लगे हैं और ऊपर आने लगे हैं। सारे कबाब अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं, इन्हें निकाल कर बाहर कर लेंगे। और ये देखिए एक भी कबाब टूटा नहीं है, ना ही फटा है। अब इसमें बचे हुए कबाब भी डाल देंगे और उन्हें भी सेक लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे कबाब अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं। और देखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ये नाश्ता बनाना पसंद करेंगे। ये नाश्ता आप पहले से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इन्हें हाफ फ्राई करके स्टोर कर सकते हैं। फिर कोई मेहमान आए तो आप इसे एक बार और फ्राई करके बनाकर सर्व कर सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई किटी पार्टी है तो आप पहले से ही बनाकर रख लीजिए। इसे टमाटो सॉस और हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व कीजिए, खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना